नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। पच्चीस मई के दिन मुगल शासक जहांगीर ने 1611 में मेहरुन्निसा से निकाह किया। बाद में इनका नाम नूरजहां पड़ा। यात्रियों को लेकर जा रही स्टीमर सर जॉन लॉरेंस 1877 में उड़ीसा तट के पास डूब गया। जावा में 1919 में कैलेट ज्वालामुखी फटने से 16,000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत ने दिया आदेश। कोर्ट ने सर्वे पर दोनों पक्षों से एक हफ्ते में आपत्ति देने को कहा। अगली सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत प्रार्थना पत्र पर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने ऐसा अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल के तहत सिंगला पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद किया। सीएम मान ने पुलिस को सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने पेट्रोल के दाम में 24.3% और डीजल के दाम में 38.4% की बढ़ोतरी की। श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा। उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार की मान्यता धार्मिक तौर पर बहुत अधिक रही है। श्रद्धालु कोने कोने से यहां लोग पूजा और गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। लेकिन अब हर की पेड़ी पर होने वाली गंगा की मुख्य आरती की पहली बार ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी, इसकी जानकारी श्री गंगा सभा द्वारा दी गई है। हरियाणवी सिंगर अभिनेत्री संगीता और दिव्या इंदौरा की हत्या कर दी गई। दिल्ली की रहने वाली सिंगर दिव्या इंदौरा को शूटिंग के नाम पर रोहतक ले जाकर हत्या कर दी गई और शव को दफना दिया गया। दिल्ली नगर निगम की बैठक में 9 अतिरिक्त आयुक्त 3 उपायुक्त और शिक्षा कानून आईटी विजिलेंस और प्रेस सूचना विभाग के प्रमुखों की जिम्मेदारियों द्वारा निगम कमिश्नर की ओर से तय की गई है। दिल्ली नगर निगम ने 9 आईएएस ऑफिसर नियुक्त किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक एसी बसों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग उसको बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अगले 3 दिनों तक इन इलेक्ट्रिक बसों से दिल्ली वासियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त सेवा दी जाएगी। पॉप स्टार सिंगर जस्टिन बीबर एक बार फिर भारत में परफॉर्म करने वाले हैं। जस्टिन बीबर 18 अक्टूबर को अपना जस्टिस वर्ल्ड टूर नई दिल्ली में करने जा रहे हैं। बीबर राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपनी परफॉर्मेंस देंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस बार से आयोजित होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर नई तैयारियां चल रही है। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो संभव है कि अगले साल से CUET परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में पारदर्शिता बरतने के लिए बड़ा फैसला किया। अब संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर ज्यादातर भर्तियां बिना इंटरव्यू की होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य से कनाडा और अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के मुद्दे पर अहम फैसला लिया। भगवंत मान ने राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग को निर्देश दिया है कि वो यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के लिए सीधा उड़ान शुरू करने की खातिर केंद्र से तुरंत साझेदारी करें। कुतुब मीनार परिसर में नहीं पढ़ी जा सकेगी नमाज। ISA ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। ISA ने उस याचिका का विरोध किया जिसमें कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली की मांग की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि किसी भी स्थिति में भूमि के उल्लंघन से मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
टोक्यो में अमेरिका भारत के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, पीएम मोदी बोले दोनों देशों के बीच एक विश्वास की साझेदारी है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंसिटिव एग्रीमेंट से निवेशी की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में सुधारों के लिए टास्क फोर्स 2024 और सलाहकारों समूह का गठन किया है। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में किया गया ऐलान। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा खुलासा, कराची में है दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड डॉन के भांजे अलीशा ने ईडी के सामने कबूला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अधिकारी अलीशा से पूछताछ कर रहे हैं। अलीगढ़ में दलितों ने घरों के बाहर लगाए ये मकान बिकाऊ है के बैनर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कॉलोनी के लोग पार्क में एक भंडारा करने जा रहे थे, लेकिन बिल्डर ने भंडारा नहीं होने दिया, जिसके बाद उन्होंने पोस्टर लगा दिए। दिल्ली को मिला नया उपराज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने बनाया दिल्ली का नया LG। राष्ट्रीय खादी विकास और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे। प्रकाश झा वैसे तो इन दिनों अपनी वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर चर्चा में है, लेकिन इससे पहले उन्होंने गंगाजल और राजनीति जैसी फिल्में भी बनाई हैं। अब उन्होंने कंफर्म किया है कि वो राजनीति का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। खबरों की मानो तो सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जल्द ही दया बहन की एंट्री होने वाली है। खुद अर्शद मोदी ने इस खबर पर अपनी मोहर लगा दी है। ये खबर सामने आने के बाद दया बहन के फैंस काफी खुशी में झूमने लगे। यश की फिल्म KGF 3 की रिलीज डेट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। KGF 3 अगले साल यानी 2023 में नहीं बल्कि इस साल रिलीज होने वाली है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट 2022 के लिए आवेदन अब 30 मई तक होगा। उम्मीदवारों की मांग के चलते UGC ने ये फैसला लिया। दिल्ली में मॉनसून से पहले बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज और कल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड में आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना। प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने भी इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो आपको ज़्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। बैंक ने इस बार ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी जानकारी दी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। इस कारण दुनिया भर में महंगाई बढ़ी और लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये आपदा अक्सर साबित हुई है, खासकर अमीरों के लिए, क्योंकि कीमतें बढ़ने से उनकी संपत्ति में उछाल दर्ज किया जा रहा। सरकार ने सिम से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ ग्राहकों के लिए सिम खरीदना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा, वहीं कुछ लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ग्राहक अब नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसे उन्हें उनके घर पर ही डिलीवरी कर दिया जाएगा। अब कंपनी नए सिम को उन ग्राहकों को नहीं देगी जिनकी उम्र 18 साल से कम है। हमारा आज का सवाल है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार।